दोस्तों क्या आप भी सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको आगे सैनिटाइजर उपयोग करना है या नहीं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सैनिटाइजर होते क्या है। दोस्तों सैनिटाइजर मार्केट में दो तरह के अवेलेबल होते हैं, एक अल्कोहल फ्री होते हैं और एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं। और अभी जो FDA और CDC ने रिकमेंड किया है कि हमें कोरोना वायरस की प्रिवेंशन के लिए ऐसे सैनिटाइजर लेना है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 60-95% हो, तभी जो वायरस है वह किल हो पाएगा। और दोस्तों हमें अब समझना होगा कि आखिर में ये वायरस किल कैसे करते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस को कैसे अल्कोहल इवेपोरेशन के थ्रू मारता है। दोस्तों जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है और जैसे ही आप उसको हाथ पे लेते हैं तो जैसे ही रब करते हैं तो जनरली रब करने के वजह से वहां पे दोस्तों एक हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से इवेपोरेशन होता है। और जब इवेपोरेशन होता है, अल्कोहल इवेपोरेट होता है, तो बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स जो है वो भी किल हो जाते हैं, वो भी इवेपोरेशन के थ्रू मर जाते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि आपके शरीर भी बैक्टीरिया से बना हुआ है। आपके शरीर में 3% ऑफ बॉडी वेट बैक्टीरिया है और इसमें कुछ आपके लिए हेल्थफुल बैक्टीरिया है, मतलब आपकी ये गुड बैक्टीरिया है जो आपकी हेल्थ की, जो कि स्किन की प्रोटेक्ट करते हैं, और काफी और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए कि जो आपके स्किन में हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं उनको हम मिचलिस्ट कहते हैं, और जो बैक्टीरिया आपको ना फायदा करते हैं ना नुकसान करते हैं उनको कॉमन सेल्स कहते हैं, और जो बैक्टीरिया आपको नुकसान करते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर में क्या कारण है, किस कारण की वजह से हमें हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे मेन रीजन जो है हैंड सैनिटाइजर में देखा जाता है कि अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो रहते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। और अल्कोहल सैनिटाइजर का सबसे मेन कारण है दोस्तों कि बच्चों में दोस्तों पॉइजनिंग का रीजन देखा जाता है कि अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है। काफी केसेस देखने को मिलता है जब बच्चे अल्कोहल पॉइजनिंग कर लेते हैं, जैसे मान लो सैनिटाइजर रखा है घर पर, उनको नहीं पता है, और बच्चे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों उसको वाटर या कुछ समझ कर डायरेक्ट पी लेते हैं, और इससे दोस्तों अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है। काफी केसेस देखने को हॉस्पिटलाइज में या हॉस्पिटल मिलते हैं, और आप यह रिपोर्ट पढ़ेंगे FDA की भी, उन्होंने भी यह सर्वे में पाया है कि काफी इसकी वजह से अल्कोहल पॉइजनिंग देखने को मिलती है। तो सबसे मेन रीजन दोस्तों यह है कि इससे अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है, खास कर छोटे बच्चों में। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड रीजन है इसका अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ना यूज करने का, वो होता है स्किन की इरिटेशन। क्योंकि दोस्तों इसमें अल्कोहल 60-95% होता है, और जैसे ही आपकी स्किन पर रब करते हैं, लगाते हैं दोस्तों, यहाँ आपकी स्किन के अंदर से पेंटेट होके आपके दोस्तों सेल्स को भी थोड़ा डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी दोस्तों स्किन इरिटेशन होती है, आपको डर्मेटाइटिस हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है। दोस्तों यहाँ ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की वजह से होती है, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड कारण देखा गया है वह होता है इम्यून सिस्टम का वीक होना। दोस्तों हमारा जो बॉडी होता है वह काफी बैक्टीरियल वायरस से बना होता है, लेकिन जब अल्कोहल हम रेगुलर रब करते हैं, सैनिटाइजर से यूज करते हैं, तो हमारे जो हेल्थी बैक्टीरिया जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो हेल्थी बैक्टीरिया भी इसके रब करने की वजह से, अल्कोहल की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, आपके टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और आपका दोस्तों इम्यून सिस्टम है वह वीक हो जाता है, और आप जल्दी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाते हैं। फोर्थ कारण है दोस्तों टॉक्सिक केमिकल्स। इसमें काफी टॉक्सिक केमिकल्स भी मिले होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है। जैसे इसमें प्रेगनेंस के लिए पेथलेट्स मिला हुआ होता है, जो दोस्तों क्या करता है कि जो आपके एंडोक्राइन फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे आपको काफी अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इसके साथ ही जेनिटल अबनॉर्मलिटी भी इसका एक कारण होती है, इसके साइड इफेक्ट की वजह से। इसके साथ ही एक ट्राइक्लोसन कंपाउंड भी इसमें ऐड किया जाता था, वो फिलहाल अभी बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां हैं जो ट्राइक्लोसन कंपाउंड को यूज करती है। उस दोस्तों ट्राइक्लोसन कंपाउंड काफी हार्मफुल होता है, उससे देखने को मिलता है कि जो प्रेगनेंसी में जो महिला है उनको दोस्तों काफी समस्या हो सकती है, उनको दोस्तों चाइल्ड ग्रोथ है, चाइल्ड की ग्रोथ पर अफेक्शन पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका वीक के इम्यून सिस्टम जो है उसको भी यहाँ वीक कर देता है, और आपका शरीर दोस्तों एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस बना लेता है। तो ये कुछ देखने को मिलता है, ट्राइक्लोसन कंपाउंड के साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे। इसके साथ ही इसमें लिवर डैमेज और कैंसर काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट इसके थे, इसलिए ट्राइक्लोसन कंपाउंड जनरली बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ टॉक्सिन केमिकल्स ऐसे आते हैं जो आपके लिए काफी हार्मफुल होते हैं। इसके बाद दोस्तों
इसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ कारण देखने को मिलता है वो होता है कि हैंड सैनिटाइजर बीपीए के अब्सॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। दोस्तों बिस्फिनॉल ए एक ऐसा कंपाउंड होता है जो दोस्तों प्लास्टिक्स के जो मटेरियल होते हैं प्लास्टिक की चीजों में मिलने को हमें पाया जाता है। जैसे हम फूड हमने लिया तो उसमें जो प्लास्टिक होता है उसके थ्रू दोस्तों अगर सैनिटाइजर आपने यूज किया उसके बाद आपने प्लास्टिक के मटेरियल को हाथ लगाया आपका जो बिस्फिनॉल ए का जो अब्सॉर्प्शन है वो काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि आपको काफी समस्या होती है, आपको हर्ट डिसीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी आपको हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो ये काफी कारण देखने को इसके मिले हैं। इसलिए दोस्तों काफी आप खुद भी गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट है। ओवरऑली मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हैंड सैनिटाइजर आपको यूज नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि अगर हैंड सैनिटाइजर यूज ना करें तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे बेस्ट होता है आपके जो घर पर नॉर्मल साबुन होता है उसको आप यूज कर सकते हैं और नॉर्मल वाटर से आप पानी से हाथ धो सकते हैं, वही सबसे बेस्ट है। आपको सैनिटाइजर ऐसी कंडीशन में यूज करना चाहिए जैसे मान लो कि आप ऐसे बाहर गए हैं, ऐसे मार्केट में गए हैं कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको प्रॉपर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से दोस्तों हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि बार बार वो हैंड वॉश करे, तो दोस्तों इसलिए हॉस्पिटल में ये ज्यादातर यूज किया जाता है कि आप हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। या आप ऐसी जगह पर जाते हैं सार्वजनिक जगह पर जहाँ पे दोस्तों काफी लोग आते हैं, जैसे अभी करंटली बैंक में देखा जा रहा है कि बैंक में सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि काफी पेशेंट काफी लोग वहां पर आते हैं, तो काफी लोगों के आने की वजह से हर एक को दोस्तों बार बार हैंड वॉश नहीं किया जा सकता, इसलिए डायरेक्ट सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन इसके दोस्तों अगर आप घर पर रेगुलर आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल यूज ना करें, इसके काफी काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसलिए घर पर नॉर्मल जो वाटर है वही काफी हेल्पफुल है। आप खुद रिपोर्ट पढ़ेंगे FDA और CDC ने भी यही कहा है कि आपको घर पर वाटर जो नॉर्मल वाटर है नॉर्मल जो साबुन आप यूज करते हैं वह ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर है कि आप घर पर जो साबुन यूज करते हैं वही यूज करें। इसके बाद दोस्तों अगर आपको फिर भी लगता है कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर फिर भी दोस्तों आपको लगता है कि मैं कुछ गलत रिपोर्ट दे रहा हूं या गलत बात बता रहा हूं तो आप खुद नेट पर सर्च कीजिए, आप खुद सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि ये आपके लिए कितने हार्मफुल होते हैं। इसको दोस्तों सिर्फ इमरजेंसी में यूज करना चाहिए, लेकिन जो अभी करंटली जो हम कोरोना पेंडेमिक देख रहे हैं जो बिल्कुल पेंडेमिक बना चुके हैं, लोगों ने इसको पेंडेमिक बना दिया है, आप बिल्कुल घर पर बिल्कुल बंद है और आपको बिल्कुल डर है, तो आप बार बार देखने मिलता है कि कुछ पेशेंट बार बार हाथ धोते हैं, बार बार हैंड सैनिटाइजर करते रहे हैं, तो हैंड सैनिटाइजर करने की वजह से उनको काफी नुकसान हो सकता है, उनकी स्किन ड्राई हो सकती है, उनको हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, घर पर ही साबुन का यूज करें, मैं यही आपको सजेस्ट करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।